हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्यान। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको सीरीज दिया हुआ है, इसके 54वें पद 54th टर्म में हम जाएंगे। 54th टर्म निकालने के बाद अगर हम उसमें जोड़ेंगे 132 ऐड करेंगे तो जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, उसका nth टर्म क्या होगा। जैसे यहाँ पर हम A54 फाइंड करेंगे और उसमें 132 हम ऐड करेंगे, ये जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा ये कौन से नंबर पे आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 3 है, तो ये जो नंबर है ये कौन से नंबर पे आएगा, इसका nth टर्म क्या है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है एंड डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 15 माइनस 3 कितना आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। इसके बाद देखिए हमें पहले फाइंड करना है 54th टर्म, हमें फाइंड करना है पहले, तो ये 54 क्या होगा, ए प्लस 54 माइनस 1 डी, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर 3 है प्लस 54 माइनस 1 53 एंड डी यहाँ पर कितना है 12। देखते हैं कितना आता है, 53 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा, ये 636। यहाँ पर क्या आया 636 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 639। तो यहाँ पर A54 क्या आया, 54th टर्म क्या आया, यहाँ पर 639। क्वेश्चन के हिसाब से इसमें क्या बोल रहा है, जब हम 132 इसमें ऐड करेंगे तो करते हैं 132 ऐड, A54 जो है यहाँ पर 639 प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे 132, तो ऐड करते हैं तो क्या आता है, देखिए इसमें 132 में ऐड करेंगे इसमें करेंगे हम 639 प्लस 132 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 771। आने के बाद हमारा क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि ये जो जोड़ने के बाद ये जो नंबर आया है इसका एंथ टर्म क्या होगा, ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो हम मानेंगे इसको लेट करेंगे, लेट 771 बी द एंथ टर्म, हम मान के चल रहे हैं कि एंथ टर्म है। अब हम यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, nth टर्म कितना है 771, a कितना दिया हुआ है 3 प्लस n कितना दिया हुआ है n हमें तो फाइंड करना है और d कितना है d12। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 771 ये 3 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 3, ठीक है, n माइनस 1 यहाँ पर 12, ये कितना होगा 768 n माइनस 1 ये कितना होगा 12। देन 768 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू n माइनस 1, यहां से इसको डिवाइड करके देखिए कितना आता है, देखिए डिवाइड करते हैं 12 डिवाइड बाय 768 तो ये कितना है आपका 64, मतलब यहाँ पर आपका n माइनस 1 कितना आ गया 64। यहां से हम n फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम देखिए n फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 64 इक्वल टू में n माइनस 1, यहां से n क्या आएगा 64, ये माइनस करने जाके प्लस का 1, तो n कितना आ गया 65। मतलब ये जो 54th टर्म में जब हमने 132 ऐड किया तो जो नंबर आया 771 वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 65वां नंबर है वो 65th टर्म। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी इस चैप्टर के क्वेश्चन अगर आपको समझने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू।